दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली 2.2 भाग 5 15 नंबर सवाल। यदि टेन इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल पाई बाई 4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें x का मान पूछा है, x का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। लिखते हैं पहले सवाल को, टेन इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस सॉरी x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल पाई बाई 4। आइए दोस्तों इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का हम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली हम चलिए सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र का हम यूज करेंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इक्वल फार्मूला होगा टेन इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। इसी पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आइए लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स a प्लस बी यानी x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 और इसका बटे 1 माइनस ए बी यानी x माइनस 1 बटा x माइनस 2 और x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इक्वल पाई बाई 4। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप हमारा रहेगा टेन इनवर्स उठाकर हम इक्वल किधर कर देंगे, इसका इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। जी दोस्तों इस संख्या से माइनस वाला कट जाएगा, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे x माइनस 1 x प्लस 2। प्लस है प्लस लगा देंगे, प्लस वाला x प्लस 2 सब करेंगे भाग, ये कट जाएगा, ये बचेगा इससे हम गुणा कर देंगे x प्लस 1 और x माइनस 2 और पूरे का बटे कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए कोई भी संख्या कटेगा नहीं, इसका भी हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर इसका भी एलसीएम आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, इसमें इसके भी नीचे एक है तो इससे हम भाग करेंगे तो दोनों संख्या यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2 और x प्लस 2। माइनस है चिन्ह माइनस लगा देंगे यहाँ पर दोस्तों, तो इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा ऊपर का वही लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1, पूरे का बटे टेन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा टेन पाई बाई 4। ये दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इससे और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे क्योंकि यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आएगा x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का हम दो में गुणा करेंगे तो प्लस 2x, अब इसका हम दोनों में गुणा करेंगे एक से तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक में गुणा x से करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक से गुणा हम दो में करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस इसका भी गुणा करते हैं x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x, फिर एक से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस x और एक से हम इस दो में गुणा करेंगे तो माइनस 2, पूरे का बटे कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये संख्या और ये संख्या तो कट गई है, अब ये बचा। यहाँ देखिए दोस्तों एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे दो दुना 4 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस यहाँ पर भी देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, तो इसका भी जब करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का वर्ग एक ही होगा और इक्वल टेन 45 का मान होता है एक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कट जाएंगे, माइनस दो और माइनस दो जुड़ जाएगा तो माइनस चार हो जाएगा, बट्टे बाकी सब संख्या जो बच रहा है लिख देंगे। यहाँ देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर, जब हम माइनस का जब कोष्टक को खोलेंगे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर इस माइनस को से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन इक्वल यहाँ है एक। आइए देखते हैं आगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटे एक एक्स प्लस में माइनस में कट कर जीरो हो जाएंगे, माइनस में माइनस चार प्लस एक घट जाएंगे माइनस तीन हो जाएगा इक्वल वन। चलिए देखते हैं आगे, इसका हम तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल, इसके अधर गुणा करेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा दोस्तों। अब चार को उठाकर हम इक्वल किधर कर देते हैं, टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन, ये माइनस में ले जाकर क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, आगे क्या लगाया जाए, टू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस तीन प्लस चार घट जाएगा एक आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर दो गुड़े में प्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा एक बटा दो, यहाँ वर्गमूल ले लेंगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस वन बटा कड़ी में दो, यही हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए दोस्तों अगला जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं, दिया साइन इनवर्स साइन टू पाई बटा थ्री, यही हमारा सवाल है। इसको हम मान लेते हैं माना वाई इक्वल साइन इनवर्स साइन टू पाई बटा थ्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मान साइन में जो मान हमारे आते हैं ये होता है माइनस पाई बाई टू इज लेस देन, यहाँ वाई हम लिखते हैं, और लेस देन इक्वल पाई बाई टू के बीच में होता है, यानी इन्हीं के बीच में हम जो मान इसमें से निकालेंगे हमारा आएगा। तो आइए देखते हैं निकलेगा कैसे दोस्तों, आगे देखते हैं, आइए यहाँ देखिए y इक्वल साइन इनवर्स साइन, इसको हम चेंज कर देंगे दोस्तों, लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे थ्री। देखिए दोस्तों एलसीएम लेंगे तीन पाई में से घटाएंगे टू पाई बटे थ्री आ जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम जानते हैं कि साइन पाई पे मान नहीं बदलता है, और साइन 180 जो होगा यह किस में आएगा धन में आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे लगाते हैं पाई इक्वल साइन इनवर्स साइन 180 मान बदलेगा तो क्या जाएगा साइन पाई बटा थ्री। अब दोस्तों देखिए साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा जो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं, सवाल नंबर 17 दिया है दोस्तों टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बटा फोर। आइए दोस्तों इसको भी हल कर लेते हैं, इसको भी हम सेम इसी तरह करेंगे, इसको भी मान लेंगे कि माना वाई इक्वल टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बटा फोर। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें भी क्या मान हमारे आते हैं, इसका जो मुख्य मान दोस्तों होता है टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है हम जानते हैं मुख्य मान पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है दोस्तों, तो इसको हम इन्हीं के बीच में मान निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, इसमें भी करते हैं वही मान जो काम हम किए थे उसमें, लिखेंगे यहाँ पर
y इक्वल tan इनवर्स, और यहाँ पर लिखेंगे tan tan पाई माइनस पाई बाई फोर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, चार पाई में से एक पाई करा देंगे, तीन पाई बटे फोर हमारा मान आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, लगाते हैं इसको भी। टैन इनवर्स, और हमको पता है कि टैन जो ये पाई माइनस पाई बाई फोर होगा, यह मान जो आएगा माइनस में आएगा, यानी कि टैन पाई बाई फोर, और इस माइनस को हम आगे कर देंगे, जो जाएगा माइनस टेन टेन कट जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों पाई बाई फोर। आंसर